नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। तो क्लास 9 साइंस का ग्रेविटेशनल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो वेट हम लोग तो निकालना पिछले पार्ट में सीख ही लिए थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, मास क्या होता है, इसका दोनों का डिफरेंस भी देख लिए थे। अगर अर्थ पे तो हम लोग वेट अब निकाल भी लिए थे, एक क्वेश्चन भी बनाए थे, लेकिन अगर हमें मून पे वेट निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है अर्थ पे, तो वो अर्थ कितने फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को खींच रही है वो उसका वेट होता है। यही कंसेप्ट होता है वेट का, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, अर्थ उस ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से खींच रही है अपने तरफ से, वही उसका वेट होता है। ओके, अगर वही चीज कंसेप्ट लागू कर दे हम लोग मून पे, ठीक है, तो मून किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ कितने फोर्स से खींच रही है वो मून पे वेट हो जाएगा। डिफरेंस क्लियर समझ में आ रहा है? अर्थ पे अर्थ कितने फोर्स से ऑब्जेक्ट को खींच रही है वो अर्थ पे उसका वेट हो गया, उस ऑब्जेक्ट का वेट हो गया। वही ऑब्जेक्ट अगर हम लोग मून पे लेके जाए तो मून उसको अपने तरफ कितने फोर्स से खींच रही है वो उसका वेट हो गया, मून पे उस ऑब्जेक्ट का वेट हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ रहा है तो आगे आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे वेरी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो अर्थ का जो मास है वो मून के मास से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को ज्यादा फोर्स से खींचेगी, वही मून उस ऑब्जेक्ट को कम फोर्स से खींचेगी। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ जा रहा है। तो ये चीज अगर समझ में आ रहा है तो आगे क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है अर्थ पे तो कितना फोर्स से खींच रही है निकालना है, तो फोर्स वाला फॉर्मूला निकाल देंगे। तो वेट क्या हो जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है W, वेट जो है वो क्या फोर्स है। अब फोर्स का फॉर्मूला यूनिवर्सल जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसके फोर्स का जो फॉर्मूला G mm/r2। तो यहाँ पे जी हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम जो हो गया मास ऑफ द अर्थ हो गया यहाँ पे, ठीक है, एम ई कर देता हूं मैं थोड़ा देर के लिए अगर अर्थ की बात कर रहे हैं, और M जो हो गया ऑब्जेक्ट का मास हो गया, ठीक है, और R हो गया रेडियस ऑफ द सरफेस से उसके सेंटर का जो डिस्टेंस हो गया, ये हो गया, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पे डिटेल में भी लिख दिया। M जो पहला मास है ये अगर अर्थ का हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे अर्थ का मास लेंगे, अगर मून पे ले रहे हैं तो मून का मास ले रहे हैं, अगर किसी और सेलेस्टियल बॉडी का मास ले रहे हैं, अगर हम जुपिटर पे जाके मास पे लेते हैं, मार्स पे जाके ले रहे हैं, तो यहाँ पे मार्स का मास हो जाएगा। तो ये वाला जो एम है वो इस तरह से वैली करेगा, अगर हम अर्थ पे ले रहे हैं तो अर्थ का मास यहाँ पे चलेगा, और ये जो छोटा एम है ये ऑब्जेक्ट का मास है। अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग मास होगा, तो जैसा उसका मास है उस हिसाब से हम लोग लेके चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही तो वेट होता है, तो वही मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। अब चलते हैं, अब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, हम लोग अर्थ की बात करेंगे। तो हमें यहाँ पे दो डाटा चाहिए, अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस, यहां मैंने पहले ही लिख के रखा है, अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये अर्थ का मास 5.98 × 10^24 kg और अर्थ का जो डायमीटर है मतलब सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस 6.37 × 10^6 meter में, ठीक है। ओके, ऐसा यूनिट में दोनों दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है G mm/r2, तो उसमें हर चीज हमें मैंने पुट करूंगा, ठीक है। तो जी कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है। ओके, एम जो है मास ऑफ द अर्थ यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे जो कि 5.98 × 10^24 kg हो गया। एम जो है ऑब्जेक्ट का मास, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो मास एम लेके ही चलेंगे, ठीक है। अब वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, जैसा ऑब्जेक्ट हो, 10 kg है, 20 kg है, 50 kg है, 100 kg, कुछ भी रहे, तो वहां पे एम का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो एम को हम एम लेके ही चलेंगे, स्मॉल है ऑब्जेक्ट के मास को। वहीं अगर रेडियस ऑफ द अर्थ की बात करें तो 6.37 × 10^6 meter इसका वैल्यू ले लेंगे। WE का मतलब हो गया वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, WE का मतलब हो गया वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट को हम लोग दोनों जगह पे वेट करा रहे हैं। तो G mm/r2, तो G का वैल्यू हम लोग G रहने देते हैं, थोड़ा देर में समझ में आएगा, अब ये कटेगा इसलिए हम लोग G का वैल्यू, G कांस्टेंट है इसलिए G का वैल्यू G ही रहने देते हैं। मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द अर्थ लिख दिए, स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास है, उसको ऑब्जेक्ट का मास m लेके ही चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो m लिखा हुआ है इटैलिक में, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है, m जिसको लेके हैं। और नीचे में जो r है वो यहाँ पे 6.37 × 10^6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर है, यहाँ छूट गया था, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.474 × 10^11 जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें निकल के आ गया ऑब्जेक्ट का मास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास निकालना सरफेस, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पुट करेंगे, निकल जाएगा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट का मास मून पे क्या होगा वही
निकालने का कोशिश करेंगे, सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। बस मास ऑफ द मून और जो डिस्टेंस है, रेडियस है, मतलब जो चंद्रमा का जो रेडियस है, मून का जो सरफेस से उसके सेंटर का जो डिस्टेंस है, वो वेरी यहाँ पे कर जाएगा। ओके, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यहाँ पे पिछले वाला वीडियो में, पिछले वाला पार्ट में यहाँ पे डब्ल्यू ई लिखे थे, मतलब कि ऑब्जेक्ट का मास ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे मैंने लिखा है डब्ल्यू एम, ऑब्जेक्ट का मास ऑन द मून, एम मून हो गया, वेट मून पे, ठीक है, वेट ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे जी का वैल्यू जी हो जाएगा, जो एम है कैपिटल एम, मास ऑफ द मून हो गया, पिछले अर्थ का निकाले थे तो मास ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे मास ऑफ द मून कर देंगे। ओके, एम ऑब्जेक्ट का मास है तो एम ही रहने देंगे। आर जो है वहां पे जो अर्थ का रेडियस था, मतलब कि सरफेस ऑफ द अर्थ से सेंटर ऑफ द अर्थ का बीच का डिस्टेंस है, यहाँ पे मून पे सरफेस ऑफ द मून से लेके सेंटर ऑफ द मून का डिस्टेंस हो जाएगा, तो वो कितना है 1.74 × 10⁶ मीटर। ओके, अब इसका होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर यहाँ पे छूट गया है, रेडियस स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.431 × 10⁻ जी एम, यहाँ पे जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट और जो एम है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू निकल गया, डब्ल्यू ई वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, डब्ल्यू एम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, दोनों का वैल्यू यहाँ पे हमें निकल के आ गया। ओके, अब दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, WM/WE, तो WM का वैल्यू ये हो गया 2.43 × 10⁻ GM और WE का वैल्यू 1.474 × 10⁻ GM, ठीक है, G से G कट जाएगा, M से M कट जाएगा और यहाँ पे जो ये है इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो WM/WE का वैल्यू आ जाएगा 0.165, ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.165 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, जो कि अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदल के लिखते हैं तो 1/6 के अप्रोक्स होता है, सिमिलर है 1.6 के 1/6 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो वेट ऑफ द मून, यही चीज मैंने लिखा ना, डब्ल्यू एम, यहाँ पे आप देख सकते हैं WM/WE, ठीक है, WM/WE वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसी को मैंने वर्ड में लिख दिया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 1/6, यहाँ पे 1/6 है, मैंने यही चीज लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टी इसको इस तरफ भेज देंगे तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इसको यहाँ पे रहने दिए, 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन द अर्थ, तो अर्थ पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगा, उससे अगर 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पे मून का, हमें मून पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट निकल जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 60 न्यूटन है, सॉरी अर्थ पे मेरा वेट, ओके, अगर हम मून पे चले जाए तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है, तो 60 / 6 हो जाएगा, मतलब कि 10 न्यूटन मास हो जाएगा, 10 न्यूटन वेट हो जाएगा सरफेस ऑफ द मून पे। तो मून पे किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 हो जाता है, यही इससे निकलता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर अर्थ पे कुछ भी रहे, यहां से 1/6 हो जाएगा मून पे, ठीक है, तो यही चीज में निकल के आ रहा है। अब इस पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन, ऑब्जेक्ट है उसका वेट 10 न्यूटन है, व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे अगर हम लोग नापे तो 10 न्यूटन इसका वेट आया, व्हाट वुड बी द वेट व्हेन इट मेजर ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है, अगर इसको सरफेस ऑफ द मून नापेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे 1/6 हो जाएगा, ठीक है, वी नो दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ पे वेट होगा उससे सीधे 1/6, मतलब 6 से उसको डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि हमें अभी डिराइव करके वे लाए हैं, तो वेट ऑफ द अर्थ क्या है, 6 कर देंगे तो 10/6 1.67 न्यूटन, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून क्या हो जाएगा, 1.67 न्यूटन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आएगा, इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कुछ भी हो वो सीधे 1/6 हो जाता है मून के सरफेस पे। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में।